अस्सलाम वालेकुम, मैं स्क्वाड आप सबको स्वागत है हमारा आज और एक प्यारी सी वीडियो में। आप लोगों ने थंबनेल टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा आज का वीडियो क्या होने वाला है। हाँ वही है, असम नलबारी से ना अपना राकीब भाई जो है ना, वो बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, वो आया हमारे दिमापुर में। तो हम लोग उनसे कॉन्टेक्ट किया तो वो बोला कि आ जाओ, तो वो आज वो लोग जा रहे हैं कोई मैं घूमने के लिए। तो मेरा एक मामा भी है, वो लोग आगे चला गया गाड़ी लेके और मैं बाइक से पीछे पीछे जा रहा हूँ। चलो लेट्स गो, जाकर उनको पकड़ दे। और इस साइड से ना रास्ता पूरा लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड होकर ना इसलिए रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है। मैं नहीं यार, थोड़ा रिक्स भी आ जाता है, स्पीड नहीं जा सकेगा क्योंकि आगे से भी गाड़ी आता है ना, इसलिए थोड़ा धीरे से जाना पड़ेगा। लेकिन वो लोग तो आगे निकल चुका है इसलिए थोड़ा स्पीड भी जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी क्या होता है ना, इस वजह से भी उनको जाके पकड़ना ही है। तो गाइस हम लोग ने ना इधर में एक्सप्लोर कर लिया, आप लोगों को देखा भी दिया, तो आप लोग को कैसे लगा ये वीडियो ना कमेंट जरूर बोलना। और यहाँ पर अपना भाई लोग सारा का सारा इधर ही है, और यहाँ पर राकीब भाई उसका एक वीडियो शूट कर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग वार सिमेट्री घूम लिया और राकीब भैया भी आया है। तो राकीब भैया एक बार बोल दो मेरे ऑडियंस को कि कोई मैं वार सिमेट्री में आया, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा है, पहली बार आया हूँ मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राकीब भैया को लेकर कुछ खाते है, उसके बाद में जो हॉर्न बिल है ना, हॉर्न बिल, हॉर्न बिल, हाँ जो कोई मैं का फेस्टिवल होता है दिसंबर में होता है। ब्लॉग पर बने रहो, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो राकीब भाई हमारा दिमापुर का ऑडियंस के लिए आप क्या बोलना चाहते हो? आपका सिर्फ दिमापुर का ऑडियंस नहीं है क्योंकि आप हिंदी में वीडियो बना रहे हो ना, पूरा इंडिया, पूरा इंडिया में ही है। वो तो बात सही है, लेकिन मैं दिमापुर से हूँ इसलिए बोल रहा हूँ दिमापुर का ऑडियंस। तो चलो अभी ज्यादा बात इधर नहीं करके बेकार में आप लोग को बोर करके कोई फायदा नहीं। चलो अभी सीधा जाकर होटल पे मिलते, कुछ खाते, बहुत ज्यादा भूख लगा, इसी में सुबह से कुछ खाया नहीं। और मैं सोचा सुबह से आपका नाना को मैं सुबह से वॉश नहीं कर पाया क्योंकि ना लेट हो रहा था। तो चलो कहीं पर जाके नाना को भी वॉश करेंगे। वॉश मेरे से निकल गया है और कुछ खाएगा बोला था ना, कोई बार टाउन में इतना ट्रैफिक है और हम लोग को ना पार्किंग नहीं मिला वो गाड़ी रखने के लिए। बाइक के लिए तो पार्किंग जहाँ भी मिल जाता ना, लेकिन कार के लिए ना पार्किंग नहीं था, इसलिए हम लोग सीधा आ गया। तो आगे कहीं पे दुकान मिलेंगे तो वहाँ से जाके हम लोग खा लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगा है, हम सुबह से ना कुछ नहीं खाया है। वो लोग आगे निकल जाए, वो लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे भी जा रहे हैं, तो फिर चलो। लीन हो रहा है भाई, लीन चेक करो, लीन लीन। और अभी हम लोग जा रहे हैं ना हॉर्नबिल, कोई मैं हॉर्नबिल जो है ना वहां पर जा रहा है, मैं जिंदगी में एक बार भी नहीं गया कोई मैं हॉर्नबिल ना, इसलिए आज जा रहा है ताकि देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल टाइम में तो नहीं आ सका ना, इसलिए आज जा रहा है। कभी आएंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम में भी आएंगे, जब फेस्टिवल होगा ना दिसंबर में जब हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, मेरे को आने का बहुत ही ज़्यादा मन है लेकिन मैं एक बार भी नहीं आया। चलो आज चलते हैं जाके देखते हैं और आप लोगों को देखा दे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर होता है। और ये वाला नजर चेक करो गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। गाइस अभी हम लोग ना ये गेट पे पहुंच गया, नागा हेरिटेज विलेज ना, जो मैं पहले भी आया था इधर में आके, मैं स्ट्रीट मार के पार्टी भी होता ना वही जगह है। तो चलो अभी जाते हैं, वो लोग अंदर घुस चुका है और मैं इसके बाद ही जा रहा हूँ उनका पीछे पीछे ना, क्योंकि मैं ना ये सब नजर ना जहाँ जहाँ पर ये सब नजर आए ना, मैं उधर में रुक रुक के जा रहा हूँ। तो ये अपने नाना और ये रहा नागा हेरिटेज विलेज। तो गाइस फाइनली आ चुका है हॉर्नबिल का गेट पे ना, किसमा हेरिटेज विलेज ना यही है। तो फिर वेलकम टू,
हम लोग अभी इंटर कर चुका है कोहिमा का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वहाँ पर। तो गाइस मेरे को रास्ता इतना अच्छा से नहीं पता कि मैं बहुत पहले आया था ना, भूल गया, तो शायद यहीं पे होता है ना। हाँ अच्छा यही है वही रास्ता जब हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, वही यही है वो जगह। टू नागालैंड इसके तरफ कुछ तो होगा, चलो यहाँ से चलते। ये जगह मेरे को थोड़ा जाना पहचाना से लग रहा है। और यहाँ देखो हमारे नागालैंड का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के रखा है लोग, इधर में कुछ शायद फेस्टिवल अगर कुछ हो रहा है इसलिए वो लोग। अय्या कैसे चला था भैया, और मैं जो पाल्टी हुआ था स्टोपी मार के ना, यही जगह है वो, तो बहुत ही साल बाद में आया इधर में फिर से, तो बहुत ही साल मतलब एक साल। तो कहीं पे बाइक को पार्क करते हैं। तो गाइस यही है वो जगह जो मैं जहाँ पर स्टेप मार के पार्टी हुआ था एक साल पहले और आज फिर से आया। तो गाइस वो लोग भी आ चुका है, वो लोग पीछे वो लोग अपना अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर ना हर साल जो हॉर्नबिल फेस्टिवल जहाँ पर होता है ना वो जगह यही है, जो कि मैं एक बार भी नहीं आया हॉर्नबिल फेस्टिवल में, मेरे को भी आने का बहुत मन है। यहाँ पर ना ऐसे में पूरा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। और आज इधर में कुछ इन लोग का कुछ तो चल रहा है, ये लोग देखो आप लोग देख सकते हो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहन के लोग बैठ रहे हैं इधर में ना, कुछ तो चल रहा है शायद इसलिए। और चलो अभी देखते हैं आगे में और क्या क्या है। तो गाइस हॉर्नबिल में घुसने से पहले ना इधर मैंने इसका पूरा मैप बना दिया हुआ है, हमें फूड स्टॉल क्या क्या जाए सब ना, क्योंकि ये बाहर के लोगों के लिए ना, क्योंकि बाहर के लोगों को पता नहीं है ना, तो जैसे कि मेरे को भी पता नहीं मैं पहली बार आया हूँ। तो चलो अभी इसके अंदर में घुसते और मैप को पूरा अच्छा चेक कर लो। तो गाइस यही है विंडो टू नागालैंड, तो चलो अभी अंदर घुसते। तो वैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना ऐसा स्टैचू बना के रखा है, ये नागालैंड का कुछ उसका ट्रेडिशनल है। और वहां पर देखो आप लोग इतना ऊपर में नागा हेरिटेज विलेज लिखा है, आप लोगों को जूम करके देखा तो ये देखो। तो इतने मैं यही सोच रहा हूँ कि इतना ऊपर में ना वो लेखा कैसे है, मेरे को वो पता नहीं चल रहा है। और ये है इसका ग्राउंड ना जहाँ पर फेस्टिवल होता है, ये देखो आप लोग। अभी इधर फिलहाल आदमी नहीं है, जब इधर में आपका फेस्टिवल होता है दिसंबर के महीने में, दिसंबर के 11 तारीख से शुरू होता है, तब ना इधर में ना आपका पैर रखने के लिए जगह नहीं होता। और इसको हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों बोलते हैं ना, ये देखो ये पेड़ में आप देख सकते हो पूरा हॉर्न रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। और मैं पहली बार आया, हाँ जैसे ही मैं आया था लेकिन इधर में नहीं घुसा, उसके नीचे से हम लोग बाइक से उइली अगर करके बाइक स्टन करके गिर के चला गया, लेकिन हम लोग इधर में घुसा ही नहीं क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, दोस्त लोग को नहीं बोला। तो आज ये जो मामा है ना, ये छपरी वाला टी शर्ट जो लगाया, इसने बोला कि हॉर्नबिल लेके जाएगा, तो इसके साथ आया और अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा घूम के। तो आप लोग देखते रहो, मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन ना भूख लगाया, बहुत देर से बोल रहा है कि भूख लगाया लेकिन कुछ खाया नहीं अभी तक, क्योंकि दुकान नहीं मिला है, दुकान है लेकिन हम लोग को नहीं पता ना रास्ता किनारे से ना। वो क्या बोलता है नागा में इसमें घाड़ी बोलता है, और बांग्ला में हम लोग क्या बोलता है आसाम ट्रैक्टर। आजकल का होटल में यही सब रहता है तो कैसे खाएगा, वो तो बात सही है। और हम लोग ना वो पोर्क होता है ना, वो लोग इधर में डिमापुर से नहीं है, इधर में है कोई दुकान, लेकिन यहाँ पर ना ज्यादातर दुकान में पोर्क मिलता है और हम लोग को नहीं खाता है ना, कोई भी नहीं खाता है हमारा सब जो आया है ना, इसलिए हम लोग ऐसे दुकान ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पर पोर्क ना मिले, और शायद भेज होगा तो भी चलेगा हम खा लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर घूम चुका है, अभी राकिब भाई जा रहा है मेरे मामा का गाड़ी चलाने के लिए, मेरे मामा का गाड़ी ड्राइव करने के लिए ना, वो चलाएगा बोला अभी। राकिब भाई ऑल द वेरी बेस्ट, वो तो आपका सिटी एरिया है और ये हिल्स एरिया है, इसलिए बोल रहा है कि ऑल द वेरी बेस्ट।
अच्छा तो राकेश भाई बोला कि हर जगह में गाड़ी चलाए तो एक्सपीरियंस है, पूरा ड्राइवर है ना, तो चला लेगा, मेरे को पता है। तो फिर चलो आप यहाँ से निकलते हैं अभी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर खाने के लिए आ गए होटल में ना, छोटा सा होटल है यहाँ पर, हम लोग समय से अगर कुछ कुछ है लोग यहाँ पर लस्सी वगैरह खा रहे हैं दोस्त लोग, लस्सी पूरी ऐसे को ऑर्डर दिया और है लस्सी, तो हम लोग खाते हैं। और आज के लिए वीडियो यही पे एंड करता है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब तक आपसे मिलते हैं और के वीडियो में, बाय बाय।